Hey all, welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 11th standard का subject Organization of Commerce and Management, जहाँ पे हम पढ़े chapter number 1 Introduction of Commerce and Business. आज हम cover करेंगे new topic that is Social Objective. As we learned in previous video, there are two objectives of every business. Which are they? That is Economic Objective and Social Objective. हमने Economic Objective को cover किया था, right? अभी हम क्या cover करेंगे? Social Objective को cover करेंगे. As we learn, economic objective is related to money. तो social objective किसके related होगा? Yes, correct answer, service के related होगा. यहाँ पे every business organization should aim to provide what? Service to the customer. तो यहाँ पे हमारा main aim क्या होना चाहिए? Service provide करना. हम अगर service provide करेंगे तो जाके हमें क्या मिलेगा? Profit मिलेगा. मतलब in economic objective we were directly talking about the profit, right? कि अगर हमने गुड क्वालिटी प्रोवाइड किया, अगर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, इनोवेशन लाया प्रोडक्ट में, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा. सो वी वर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द प्रॉफिट. बट अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लर्न करेंगे तो हम अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा. मतलब हम इनडायरेक्टली प्रॉफिट के बारे में बात करें. ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माई वीडियोज विथ योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स. इसी तरह मुझे सपोर्ट और प्यार देते रहिए, तब जाके हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से यूट्यूब फैमिली को क्रिएट कर पाएंगे जिसमें आपका बड़ा हाथ होगा. एंड आई नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल. और मैं होप कर रही हूँ कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करोगे. सो यस, विल स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन. सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब किसका क्या मतलब होगा? इट इज रिलेटेड टू योर सर्विस. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट. इट इज अ एम और इट शुड बी द एम ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कस्टमर. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होना चाहिए कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे? क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेंगे टू ईच एंड एवरी कस्टमर. नाउ क्वालिटी इंक्लूड्स व्हाट? तो आपका जो भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो प्योर होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए, कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमें सेल नहीं करना है. उसका यूटिलिटी क्या है, यूज कैसे करना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है. नेक्स्ट इज विल कॉम्बिनेशन, कोई भी मिलावट के साथ प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करना है. ड्यूरेबिलिटी, देयर इज वन टर्म विच इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वो प्रोडक्ट कितना टाइम तक चलेगा. ठीक है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिवली बेस्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा? ज्यादा टाइम तक टिकेगा, राइट? सो आपका प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी कितना है? वेदर दैट प्रोडक्ट हैज टू बी कंज्यूम विद इन सम टाइम और इट हैज अ ड्यूरेबिलिटी. अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा तो उसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगा, अगर क्वालिटेटिव नहीं होगा तो ड्यूरेबिलिटी कम होगा. सो ये सब क्वालिटी में इंक्लूड होता है. दैट द प्रोडक्ट शुड बी प्योर, इट शुड बी सेफ टू यूज, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट थिंग, डुप्लीकेट प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करना है, सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना है, यूटिलिटी के बारे में, ड्यूरेबिलिटी के बारे में, ये सब हमें ध्यान रखना है. ये सब अगर मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट. सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड एम टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स क्या होने वाले? इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अभी यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बताए. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इट इज नॉट अ इलीगल प्रैक्टिसेस. अनफेयर का मतलब इलीगल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इलीगल देखेंगे तो इट विल बी लाइक स्मगलिंग, वी कैन से अंडरवर्ल्ड पीपल से दोस्ती रखना, ये सब हो जाएगा. सो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब क्या होगा? इट इज अ चीटिंग. अनफेयर मतलब क्या होगा? इट इज अ चीटिंग विच इज डन बाय द बिजनेस मैन. और ये सब चीटिंग क्यों किया जाता है? जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट. थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? मिलावट कर देते हैं. सिंपल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूध में पानी मिलाना मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा, राइट? सेकेंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वीट होता है, राइस होता है, उसमें स्टोन्स मिलाना जिससे आपका प्रॉपर क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये भी मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा. नेक्स्ट थिंग, जब हम वेजिटेबल मार्केट में, फ्रूट मार्केट में जाते तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मिलता है, ठीक है? जितना हमने अगर 1 kg बोला तो उससे कम दिया जाता है. सो प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं, रॉन्ग मेजरमेंट्स. फिर ब्लैक मार्केटिंग, जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा. इससे किसको बेनिफिट होगा? बिजनेसमैन, रिटेलर्स, होलसेलर्स को बेनिफिट होगा.
बट यहाँ पे किसको किसके लिए डिसएडवांटेज होगा, कस्टमर्स के लिए डिसएडवांटेज होगा. सो दिस आर द प्रैक्टिसेस विच आर परफॉर्म बाय द बिजनेसमैन जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट. तो हमारा पॉइंट क्या बताता है, अवॉइडिंग अनफेयर. ये सबको क्या करना है, अवॉइड करना है, ये सबको नहीं करना है. क्योंकि अगर ये सब प्रैक्टिसेस किए जाएंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट डेफिनेटली होने वाला है, बट आप अगर बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो, कंपटीशन में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको टिकना है तो आपको कंपल्सरी क्या करना होगा, ये सब प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना होगा. इफ यू वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म यू हैव टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ओके, थर्ड पॉइंट दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है, ठीक है, आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपको मैंने बोला कि आपको एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है, तो आप क्या देख के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करोगे? यस, स्किल्स को आप देखोगे, क्वालिफिकेशन को देखोगे, राइट, उसमें कितना कैपेबिलिटी है, नॉलेज कितना, उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंट करोगे. बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या चाहता है, सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें हर एक एम्प्लॉयज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उनको अपॉइंट करना है. जैसे स्किलफुल एम्प्लॉयज को भी हम अपॉइंट करेंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटीज देंगे. नेक्स्ट थिंग, जो सेमी स्किलफुल एम्प्लॉयज होंगे उनको भी अपॉर्चुनिटीज देंगे, और अनस्किलफुल उनको भी अपॉर्चुनिटीज देंगे, और फोर्थ कैटेगरी हो सकता है हैंडीकैप पीपल. ठीक है, क्योंकि जितना हम पब्लिक के बारे में सोचेंगे, जितना हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस का नाम बढ़ेगा, हमारी कंपनी का नाम ग्रो होगा, हमारे बिजनेस का रेपुटेशन इंक्रीज होगा. सो ऑलवेज फ्रॉम बिजनेस एंगल यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी फर्स्ट. ठीक है, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है, हम कैसे सर्विस, बिकॉज हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम सर्विस के बारे में डिस्कस करें. तो अगर हम सिर्फ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को ही अपॉइंट करेंगे तो ऑफकोर्स हमें उनको सादा सैलरी प्रोवाइड करना होगा, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा. बट अगर मुझे एक ऑफिस प्यून चाहिए, ठीक है, एक ऑफिस बॉय चाहिए, तो उसके लिए तो क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो भी चल जाएगा. अगर मुझे एक एमबीए का मतलब मैनेजर का पोस्ट चाहिए तो मुझे वहां पे एमबीए लगेगा. अगर मुझे एक नॉर्मल अकाउंटिंग का काम करवाना है तो मुझे एक टीवाई बीकॉम स्टूडेंट भी चल जाएगा. इट मीन्स एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट मुझे हर एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है. ठीक है, जिससे हम क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, हर एक स्किलफुल, अनस्किलफुल, सेमी स्किलफुल एंड हैंडीकैप पीपल, सबको हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर पाएंगे, विच बिकम्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर बिजनेस टू ग्रो एज वेल एज इकोनॉमी टू ग्रो. बिकॉज हम सर्विस के बारे में बात करें, हम प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे. नेक्स्ट वन, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. यस, हमने एम्प्लॉयज को जॉब तो दे दिया, बट उनके बारे में सोचना भी होगा, उनको टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड करना होगा, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करने होंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन, सैनिटेशन, नेक्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, पार्शियलिटी को अवॉइड करना होगा. तो उनके तरफ हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो भी हमें सोचना होगा एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम. If we talk in our country, there are n number of social problems, right? For example, if we take that is road problems. अगर आप देखोगे traffic jam, आज के rate पे अगर हमने देखा तो n number of traffic आपको मिलेगा. आप कहाँ पे भी जाओगे, traffic is very much famous, right? तो traffic problem, traffic jam जिसको हम consider करेंगे. Next thing, water pollution, sound pollution, noise pollution, air pollution, garbage के जो issues होते हैं, कचरा वहां पे फेंक देना, उसके कारण डिजीज स्प्रेड होना, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, ये सब हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है. ये सब सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. क्या लगता है आपको, सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या करना है, इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है. ये किसका जिम्मेदारी बनता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी बनता है. सो इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ऑल दीज सोशल प्रॉब्लम्स विच आर देयर अराउंड अस. नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. यस, मेनी टाइम ऐसा होता है कि सोसाइटी में एन नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, या उनके पास पैसा नहीं होता है खाने के लिए, एज वेल एज फॉर टू फूड क्लोथिंग शेल्टर, उसका प्रॉब्लम होता है. तो हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम फ्री मेडिकल चेकअप ले सकते हैं,
और नेक्स्ट थिंग एजुकेशन के लिए पैसा दे सकते हैं। सो सम और अदर वे वी हैव टू सपोर्ट द सोसाइटी, हमें सोसाइटी के लिए काम करें। अगर आज हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो यस उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर मिलेगा। जब अगर आप सोसाइटी के बारे में आज सोचोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सो यू हैव टू क्रिएट सम और अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग डोनेशन, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और वी कैन से क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, जो भी कंज्यूमर के साथ चीटिंग होता है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डोनेशंस प्रोवाइड करना, फीस प्रोवाइड करना, फ्री मेडिकल चेकअप करना, ये सब प्रॉब्लम्स का हमें क्या फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सो ऑल दिस विल कम अंडर दिस पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। जस्ट एक बार रिकैप ले लेते हैं। ओके, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, पहले तो क्वेश्चन समझते सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तभी जाके हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज द मेन बेसिक एम ऑफ अवर क्वेश्चन। सो सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, यस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, रॉन्ग मेजरमेंट, चार्जिंग हाई प्राइस एंड ऑल। अगर हम ये सब अवॉइड करेंगे तभी जाके लॉन्ग टर्म के लिए आप बिजनेस में एग्जिस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किलफुल, सेमी स्किलफुल, अनस्किलफुल एंड इवन फॉर हैंडीकैप पीपल। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, यू हैव टू थिंक अबाउट द एम्प्लॉयज वेलफेयर फर्स्ट। यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज, प्रोवाइड टाइमली सैलरी टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज, प्रोवाइड इक्वल रूल्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज, प्रॉपर गुड वर्किंग कंडीशन, सैनिटेशन, वेंटिलेशन, फूड फैसिलिटीज, ये सब सही तरीके से परफॉर्म करने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन, हेल्प टू सॉल्व सोशल वर्क, एन नंबर ऑफ जो भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है लाइक ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन एंड ऑल, ये सबको सॉल्व करना किसका जिम्मेदारी होगा, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। And at the last, contributing to the welfare of society, it is a responsibility of every business organization should contribute some funds for the benefit of society. जिसमें हम ले सकते हैं donation provide करना, education facilities के लिए donation provide करना, free medical checkup के लिए पैसा देना, some or other we have to create some opportunities or to provide some funds for the society benefit. So, अगर हम society के बारे में सोचेंगे तो definitely हमारे business में क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, यही आपका सिर्फ डिफरेंस है फर्स्ट और ये वाले क्वेश्चन में। सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट। जितना आप इंटरैक्ट करोगे, कनेक्ट होंगे मेरे साथ, उतना ही आपको बेटर वे से समझ में आएगा। सो अगर आप स्टडी कर रहे हो कि नहीं वो मुझे कैसे समझेगा जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करोगे, राइट? सो ट्राई टू बी इंटरैक्टिव विथ मी, तब जाके आपका जो भी डाउट्स और स्टडीज बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा, उतना गारंटी मैं दे रही हूँ। सो ट्राई टू बी कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।